रामलला की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे पक्का दोस्त इजराइल सामने आया है। इजराइल राम मंदिर के चारों तरफ अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला है। आप जानते ही हैं कि रामलला के दर्शन के लिए देश और दुनिया के करोड़ों लोग राम भक्त के लिए पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और इजराइल के बीच एक बड़ी डील हो गई है। हाल फिलहाल में कई संदिग्ध कट्टरपंथी राम मंदिर के पास से गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर के पास कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके लिए इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस ने इजरायली एंट्री ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। उम्मीद है कि जल्द ही इजरायल का एंटी ड्रोन सिस्टम रामलला की सुरक्षा में लग जाएगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यूपी पुलिस ने एनएसजी, एसपीजी और अन्य सुरक्षा बलों के एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए यूपी पुलिस को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाना होगा। ऐसे में योगी सरकार ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम को चुना है। इजराइल का ये एंटी ड्रोन सिस्टम राम मंदिर के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सबसे पहले जय श्री राम बोला था। भारत में इजरायली राजदूत नाओ ग्लोब ने तो यहाँ तक कहा था कि वो जल्द से जल्द राम मंदिर में दर्शन करने पहुँचेंगे। इजराइल के राजदूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक बार मिल चुके हैं। ऐसे में रामलला की सुरक्षा के लिए इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की खबर जबरदस्त है।